हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था। तो उसमें नॉन फाइनाइट के तीन प्रकार होते हैं, जेरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। तो आज मैं आपको जेरंड के बारे में और इन्फिनिटिव के बारे में बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, दिस इज जेरंड। व्हाट इज जेरंड? जेरंड क्या होता है? जेरंड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई हवा नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। जिस सेंटेंस में अगर वर्ब में कहीं आप आईएनजी लगा देखें तो आप समझ लेना कि दैट इज जेरंड। आईएनजी वर्ब के पहला फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो वह जेरंड हो जाता है। बट जेरंड को हम यूज अलग अलग तरह से अलग अलग सेंटेंसेज में करते हैं। मतलब किसी सेंटेंस में हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, किसी सेंटेंस में हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं, और किसी सेंटेंस में एज अ कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वही हमको सीखना है, वही हमें सीखना है कि अगर किसी सेंटेंस में जेरंड है तो वो किस रूप में यूज हुआ है, ये पहचानना है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि When we use a verb in a place of noun adding verb ing, जब भी हम किसी भी sentence में किसी भी noun की जगह पर किसी verb को use करते हैं और उसमें ing रहता है तो वो gerund कहलाता है। Okay friends? अभी हम इसको use कितने तरीके से करते हैं, as a subject, as a object and as a complement of verb to be। Okay friends? तीन तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इसका, gerund का। अगर सेंटेंस में कहीं पर जेरंड है तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है या एज अ कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी यूज हुआ है, ये हम सीखेंगे कि उसको हम कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट अगर हम सेंटेंस लेते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके फ्रेंड्स, इसमें स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि सिगरेट पीना, ये जो हो गया ये किस रूप में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर है, एज ए नाउन है, ये नाउन है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो चीज़ ही हो सकता है जो नाउन हो सकता है, और सब्जेक्ट में दो चीज़ हो सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। बट यहाँ पर नाउन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, यानी कि नाउन है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर हम स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये स्मोकिंग हो गया जेरंड। और दूसरा सेंटेंस है, रनिंग हेल्प्स अस टू बी हेल्दी। रनिंग यानी दौड़ना हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, तो यहाँ पर रनिंग हो गया जेरंड। ये कौन सा जेरंड हो गया, किस रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, ये हो गया एज ए नाउन, इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हो गया ये सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो एज ए सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन दो ही चीज़ हो सकते हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, एज ए सब्जेक्ट इस जेरंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अभी हम एज ए ऑब्जेक्ट लेते हैं। एज ए ऑब्जेक्ट, ही लव्स डांसिंग, उसे डांसिंग यानी डांस करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर डांसिंग किस रूप में यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो क्या, उसको क्या अच्छा लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई लाइक एप्पल, तो वहाँ पर एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वहाँ पर इसी तरह से है कि ही लव्स डांसिंग, अब यहाँ पर हम एप्पल नहीं लिख सकते क्योंकि एप्पल जेरंड हो ही नहीं सकता, वो ऑब्जेक्ट है। बट किसी भी वर्ब को जब हम ऑब्जेक्ट रूप में किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हो गया जेरंड। ओके फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर आप बोलेंगे कि सब में तो आई एन जी लगता जा रहा है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि एज ए सब्जेक्ट है और एज ए ऑब्जेक्ट है? सिंपल है, यहाँ पर स्मोकिंग के बाद इज आया है, यानी कि सबसे पहले आई एन जी वाला फॉर्म है, वर्ब है, उसके बाद एक और वर्ब आया है, तो जब इस तरह से आए तो समझ लेना कि एज ए सब्जेक्ट वो यूज़ हो रहा है। स्मोकिंग, फिर इज आया है, रनिंग, फिर हेल्प्स आया है, ये वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद ठीक बात कोई वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो एज ए सब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब के बाद ये इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इसमें वर्ब इसके बाद आ रहा है और इसमें वर्ब इसके पहले आ रहा है, तो ये डांसिंग हो गया, ये एज ए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई एंजॉय सिंगिंग अलॉट, मुझे गाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ये सिंगिंग हो गया एज ए ऑब्जेक्ट।
ओके फ्रेंड्स, एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर जेरंड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज अ गुड पेंटिंग, वह एक अच्छी पेंटिंग है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आई एंजॉय वर्ब है, ये जो बेस वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद सिंगिंग आ रहा है। तो ये हो गया, जेरंड तो है ही है, जेरंड सभी होते हैं जिसमें आई एंज होता है, बट ये एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसकी ये पहचान है कि ये वर्ब बेस वर्ब के बाद है, इसमें बेस वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, और बेस वर्ब के पहले आ गया तो ये सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, दैट इज अ गुड पेंटिंग, वो एक अच्छी पेंटिंग है। तो यहाँ पर पेंटिंग हो गया जेरंड, जो एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा लेते हैं, एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। अभी टू बी किसका फॉर्म है, इजारेम आएगा या तो वॉज वर आएगा, या तो प्रेजेंट होगा तो इजारेम आएगा, और पास्ट होगा तो वॉज वर आएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी एक सेंटेंस लेते हैं, साहिल्स हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। साहिल की हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो यहाँ पर जो प्लेइंग है, प्लेइंग, ओके फ्रेंड्स, ये बेस वर्ब के बाद आ रहा है, बट साहिल्स हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर इज आर एम या वॉज वर यही चीज आएगा, उसके बाद ये अगर आता है आई एन जी फॉर्म तो वो हो जाएगा एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया जेरंड, बट ये क्या हो गया, एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ओके फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है, दे वर ट्राइंग टू विन द मैच, वे लोग मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर वर आ गया टू बी फॉर्म, उसके बाद आ गया ट्राइंग। तो टू बी फॉर्म के बाद जब आई एन जी फॉर्म में आए कोई वर्ब, तो समझ लेना कि वो जेरंड है और वो कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, टू बी फॉर्म में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया जेरंड, जो कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया जेरंड के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है और उसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में किस किस रूप में करते हैं। तो ये इन्फिनिटिव के बारे में अभी हम जानेंगे, पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव बहुत ईजी चीज़ है, किसी भी बेस फॉर्म से पहले हम अगर टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव, किसी भी बेस फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है, और किसी भी सेंटेंस में ये बेस वर्ब के रूप में काम नहीं करता है, इट डजंट फंक्शन एज अ बेस वर्ब इन एनी सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये काम किसी सेंटेंस में किस रूप में करता है वो सीखेंगे। इसका यूज है, तो इसका यूज है नाउन के रूप में, या तो एडजेक्टिव के रूप में, या एडवर्ब के रूप में। इन्फिनिटिव का जब इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में हम करते हैं या होता है, तो या तो नाउन के रूप में होता है, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब के रूप में। अभी हम एक एक करके सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। नाउन के रूप में, मोहन लाइक्स टू डांस। ओके, मोहन लाइक्स टू डांस। अभी हम जेरंड में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा मोहन लाइक्स डांसिंग, तो वहाँ पर आईएनजी लग गया तो जेरंड हो गया। अब यहाँ पर मोहन लाइक्स टू डांस, यहाँ पे टू आ गया, डांस आ गया, तो ये हो गया टू डांस। इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नाउन कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ नाउन, यह इन्फिनिटिव है जो नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, ही वॉन्ट्स टू मीट मी। ओके फ्रेंड्स, ही वॉन्ट्स टू मीट मी। ओके, तो यहाँ पर टू मीट एज एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो गया इन्फिनिटिव, जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये नाउन है जो नाउन के रूप में काम कर रहा है, जो कि एक इन्फिनिटिव है। ओके फ्रेंड्स, अभी ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है, एडजेक्टिव, अभी ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है, तो सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। आई हैव नो टाइम टू प्ले, यहाँ पे टू प्ले, जहाँ भी वर्ब से पहले टू हो आप समझ लेना है कि वो इन्फिनिटिव है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, किस लिए, खेलने के लिए। तो ये टू प्ले एज अ बेस वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है,
इसलिए यहाँ पर एक किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव, कि मेरे पास किसके लिए टाइम नहीं है, तो खेलने के लिए। तो टू प्ले यहाँ पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज इन्फिनिटिव विच इज यूज इन दिस सेंटेंस एज अ एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है, ही टोल्ड यू टू वेट, उसने तुमसे कहा इंतज़ार करने को, ठीक है, उसने तुमसे क्या कहा, किस लिए, तो इंतज़ार करने को। यहाँ पे टू वेट एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में है जो कि इन्फिनिटिव है। ओके, दैट वॉज अ गेम टू वॉच, वह एक खेल था देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये टू वॉच सिंपल है, एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है जो कि एक इन्फिनिटिव है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो गया, इन तीन सेंटेंस में आपने सीखा, इन तीनों सेंटेंस में आपने सीखा, देखा कि यहाँ पर टू प्ले, टू वेट एंड टू वॉच एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज द इन्फिनिटिव विच इज यूज इन दिस सेंटेंस एज अ एडजेक्टिव। ओके, अभी एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब एवरीबडी वॉज रेडी टू प्ले मैच, यहाँ पर टू प्ले आ रहा है। ओके, टू प्ले, अभी आप फिर से इसमें बोलेंगे कि सब में तो टू डांस, टू मीट, टू प्ले, सब में टू लग रहा है वर्ब से पहले, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है और कौन एडवर्ब है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ही लाइक्स टू डांस, यहाँ पर जस्ट वर्ब के बाद ही डांस आ रहा है, टू डांस आ रहा है, यानी इन्फिनिटिव आ रहा है। यहाँ पर भी ही वॉन्ट्स टू मीट, यहाँ पर जस्ट जो बेस वर्ब है, बेस वर्ब के जस्ट बाद टू मीट आ रहा है, तो ये हो गया एज अ नाउन। ओके, यहाँ पर आई हैव नो टाइम टू प्ले, ही टोल्ड यू टू वेट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव आ रहा है, यानी कि टू वेट, टू प्ले आ रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, इसमें एवरीबॉडी वॉज रेडी टू प्ले, ये एडवर्ब के रूप में दर्शाता है कि सभी लोग रेडी थे, किस लिए, तो मैच खेलने के लिए। तो मैच खेलने के लिए यहाँ पर एक एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण के रूप में ये दर्शा रहा है सेंटेंस में, इसलिए हो गया ये इन्फिनिटिव एज अ एडवर्ब। वी रेडी टू गेन नॉलेज, हम लोग तैयार हैं, वी रीड टू गेन नॉलेज, हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रीड टू गेन, टू गेन मतलब हम जो भी एक्शन है वो क्यों हो रहा है, जब उसका विशेषता बताए, ना क्रिया का विशेषता बताए कि जो हम क्रिया कर रहे हैं उससे उसका क्या परिणाम निकल रहा है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। कि वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या परिणाम में आता है कि गेन नॉलेज है, किस लिए, तो नॉलेज गेन करने के लिए, तो ये हो गया एज अ एडवर्ब। ओके फ्रेंड्स, ही वॉज नॉट रेडी टू ओबे, वो तैयार नहीं था, किस लिए, टू ओबे हिज फादर, अपने पिताजी का कहना मानने के लिए। ओके फ्रेंड्स, जब भी किसी भी सेंटेंस में क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण उसी को बोलते हैं जिसमें सेंटेंस में क्रिया की विशेषता बताया जाए, तो इसमें क्रिया की विशेषता कौन सी बता रहा है, टू ओबे, इसलिए हो गया ये एडवर्ब इन्फिनिटिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यह था आज का कॉन्सेप्ट, जेरंड एंड इन्फिनिटिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा इन्फिनिटिव और जेरंड को पहचानने में। फ्रेंड्स, जेरंड मीन्स किसी भी बेस वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दो वो जेरंड कहलाता है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में जेरंड एज अ बेस वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, मीन्स वो सेकेंडरी वर्ब होता है। और इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव भी कभी भी किसी भी सेंटेंस में एज अ बेस वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, ये सेकेंडरी वर्ब होता है। इन्फिनिटी मतलब टू प्लस वर्ब, किसी भी वर्ब से पहले जब टू लगता है तो इन्फिनिटी कहलाता है। बस यही आपको समझना है कि किस सेंटेंस में किस रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, एज अ एडजेक्टिव, एज अ नाउन, एज अ ऑब्जेक्ट, ये किस रूप में इस्तेमाल हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते वक्त लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कॉमेंट भी किया कीजिए, आपको आपके मन में जो भी है पूछने लायक कुछ बातें हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखा कीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।
शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है।